तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत राजपूत फूड ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज बनाएंगे खस्ता समोसा, जो खाने में क्रंची और टेस्टी भी गजब का टेस्ट है। जो आप हमारे गांव में बनता है समोसा, पागर गांव में, जैसे गांव है हमारा पागर गांव। और जो समोसा बनाएंगे हम लोग, मूँगफली दाना डालेंगे और इसमें हरा मटर भी डालेंगे और आलू भी डालेंगे, तीनों सामग्री मिक्स करके और स्पेशल समोसा बनाएंगे। आप देखते जाइए उसको बनाने की विधि पूरा, और पूरे सामग्री डालेंगे, सब चीज़ बनाएंगे, पूरी व्यवस्था दिखाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों राजपूत फूड चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना, ऐसी फूड रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों सिल्वर के बर्तन में हम लोग मसाला बनाएंगे। आलू मसाला ये डाल दिए, सबसे पहले तेल, सबसे पहले जीरा, उसके फिर ये डाल दिया हरे मटर, ये डाल दिया मूंगफली के दाने, और ये रहे दोस्तों बारीक कटे हुए आलू। नमक, और अब दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे। और अब बारी आती है धनिया की, इसके बाद सब मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हल्दी, और इसके बाद अब धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। और इसको आप लगभग 10-15 मिनट पकाएंगे दोस्तों। तो लगभग आलू का मसाला रेडी हो चुका है। और समोसा बनाने के दोस्तों हर एक में अपनी अपनी कला रहती है, लेकिन ये कला देख के मैं तो खुश हो गया। इतने बड़े चूल्हे में जैसे आलू बन रहा है, उसके बाद फिर जो खस्ता बनाएंगे उसका, अब उसका रेडी करेंगे दोस्तों। तो पहले मैदा, तो मैदा में हम लोगों ने काला जीरा, अजवाइन और नमक। मैदा में डालने के लिए हम लोग को चाहिए, डालने के लिए हल्का डालडा है और पानी को हल्का गुनगुना कर लिए हैं, मैदा में डालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डाल दिया इसमें घी, गरम घी, और इसके बाद पानी, गरम पानी, और लगभग हमारा मैदा का आटा भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब चटनी की बारी, समोसे के लिए चटनी बना लेते हैं। तो एक एक करके क्या क्या हमारे डालने के देखते जाइएगा। समोसे के लिए चटनी बना लेते हैं, पहले टमाटर की चटनी, जीरा, धनी पत्ता, तो ये टमाटर का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, कसूरी मेथी,
नमक, तो लगभग दोस्तों हमारी चटनी को पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो चलिए आपको पीछे तब तक बाड़ी दिखाता हूँ जहाँ हर एक प्रकार की सब्जी बीजे हैं भाई लोग। दोस्तों जैसे कि भाई की बाड़ी है, यहीं सब्जी वगैरह भी लगाते हैं भाई। देखो सरसों है, क्या क्या लगाया हो पिंडू भाई? धनिया पत्ती है, मूली है, पत्ता गोभी है, पालक भी है, जैसे लाल भाजी भी है वो देख सकते हैं आप। और धनिया देखो दोस्तों, और लाल भाजी, इसकी बड़ी अच्छी भाजी बनती है लाल भाजी। ये पालक इतना सुंदर है भाई ने, देखो कितना अच्छा बाड़ी बना रखा है पीछे। और सामने इनका होटल है, तो ये रहा दोस्तों ये मेथी भाजी, इसका पराठा बड़ा गजब लगता है बनाने से। तो ये देखिए छोटे छोटे लाल भाजी कितना अच्छा पैर दिख रहे हैं। तो इतने सुंदर भाई ने बाड़ी बना रखी है। तो यही बगल में कुआं, तो ये दोस्तों भाई ने पत्ता गोभी देखो कितने सुंदर बाड़ी बना रखी है पत्ता गोभी। तो पिंडू भाई फुल मेहनत करते हैं लेकिन आप ना बड़ा अच्छा लगा यार आपसे, और इतने सुंदर आपने बाड़ी बना रखी है पीछे घर के पीछे लगा रखे भाई ने। ये फूल गोभी, वो पत्ता गोभी, तो ये पत्ता गोभी और ये फूल गोभी। बाड़ी तो बहुत अच्छा बनाया पिंटू भाई, लेकिन सब सब प्रकार की सब्जियाँ लगभग रखे हैं आप। ये आलू, आलू की खेती है दोस्तों, ये टमाटर की खेती भी है, तो लगभग मेरे सब चीज़ है। तो ये टमाटर की खेती है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो तो छोटे छोटे रखे हैं, तो ये तो जल्दी हो जाएगा, लगभग 1-1.5 महीने आ जाएंगे। ये सरसों भाजी, वैसे बाड़ी तो बहुत अच्छा बना रखा है पिंटू भाई, हर एक प्रकार की आपके पास सब्जियाँ हैं, जैसे पालक है, गोभी है, मेथी है, धनिया है, सब प्रकार। ये पूरी बाड़ी आप ही की है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर घूमने से भी। और पीछे दोस्तों इनके होटल भी, घर ही में सब चीज़ व्यवस्था करते हैं, जैसे मैं दिखाया था समोसा वगैरह बनाते हैं, और आंगन में समोसा वगैरह बनाते हैं, और सामने छोटा सा जैसा ठेला है ना वहीं समोसा वगैरह बेचते हैं, और पीछे इतनी सुंदर बाड़ी बना रखे है, और बाड़ी में हर एक प्रकार की सब्जी है और कुआँ भी है, तो पानी वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और कुआँ से इन लोग पानी दे देते हैं। अच्छा तो चलिए दोस्तों अब हम समोसे के पास चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग का लगभग आधा तैयारी हो गया है, अब मैदा को बेलेंगे और समोसा जो आलू का मसाला है वो भरेंगे, और देखते जाइए आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मिस्त्री साहब ने तो यहाँ तैयारी शुरू कर दी जैसे कि आप देख रहे हो, और पहले गोल गोल मैदा आटा की रोलोई बना लिए, उसके बाद फिर इसको काटेंगे बेलने के बाद। बस एक साइड पानी लगा के फिर मसाला भरेंगे मसाला, और फिर एक बार और पानी लगा देंगे, और फिर प्यार से दबा देंगे। ये हो गया समोसा रेडी। तो दोस्तों अब हमारी बारी, हम बनाएंगे समोसा। पहले सबसे पहले एक साइड पानी लगा लिए और अच्छे से, फिर एक साइड मोड़ लेते हैं, उसको दबा लेते हैं अच्छे से। अब इसमें भरते हैं आलू मसाला, बता दूँ जैसे कि देखो ये भरा मैंने आलू मसाला। अब इसको फिर से सभी साइड पानी लगा के अच्छे से, एक बार मोड़ने से बाद फिर अच्छे से दबा देता हूँ। तो हमारा समोसा रेडी है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने भाई के साथ समोसा बनाना सीख लिया है, जैसे मैंने अभी समोसा बनाया 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 समोसे बनाए और पहली बार बनाए और अच्छे बने। फिर भाई कैसे बने? अच्छा बना ना, तो अच्छे बने दोस्तों। एक बार फिर से भूकना हम लोग का हवा।
समोसा हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमारा समोसा रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो वो भी क्रिस्पी समोसा रेडी हो चुका है जैसे देख सकते हैं आप। कितना क्रिस्पी है और इसमें जो तेल भरा है, टेस्ट भी करके देख लेते हैं। और टेस्ट भी करके देख लेते हैं दोस्तों, जैसे उम्मीद थी वैसे मिला दोस्तों समोसा। तो दोस्तों मैं 15-20 प्लेट कम से कम समोसा ले लिया हूँ, आधा को रास्ते में बांट देंगे और आधा को घर ले चलेंगे। यही है साहब जिन्होंने इतना स्वादिष्ट समोसा बनाया। तो हम लोग नाश्ता और पैक करवा दिया, कम से कम 15-20 प्लेट में ले घर ले जा रहा हूँ, और आधे रास्ते में बांट भी देंगे और आधा घर ले चलेंगे। और पिटू भाई का सामने होटल है, मैं आपको एक जस्ट घर के सामने होटल है वो भी आपको दिखा दूँगा, और कैसे लोग आगे नाश्ता वगैरह बेचते हैं। दोस्तों यही भाई का होटल है, और जैसे सामने नाश्ता वगैरह सब रखे हैं, भजिया है, ब्रेड है। छोटा मोटा क्या है भैया, मेरा भी तो छोटा मोटा ही है, मेरा कौन सा बड़ा है। तो ये पूरी व्यवस्था है पिंटू भाई की। तो अंदर फ्रिज भी है, फ्रिज भी रखे पिंटू भाई। अच्छा गर्मी में जैसा कोल्ड ड्रिंक कर रहा है, तो ये चटनी वगैरह जैसे दोस्तों। हाँ वैसे गाँव ही है दोस्तों, पागर गाँव है जैसे, ये हमारा छोटा सा गाँव है। तो बाहर ही मतलब ठेला लगाए हैं भैया, तो पीछे देखा जैसे आपने समोसा बनाते हो, उससे पीछे इतना सुंदर बाड़ी है, जो बाड़ी देख के मैं खुश हो गया इनकी। तो ठीक है पिंटू भाई, फिर मिलते हैं फिर, बहुत अच्छा लगा यार समोसा बनाने के ना, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर जरूर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं, और समोसा भी ले लिए 15-20 प्लेट, आधा प्लेट तो रास्ते में बांट देंगे और आधा प्लेट घर ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब घर। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई के पास, छोटे भाई के पास, उसको भी नाश्ता देने, उसको भी समोसा खिलाने जा रहा हूँ, और उसके दोस्त यार भी हैं उन लोगों को भी खिला देगा वो। तो दोस्तों अभी मेरा छोटा भाई यही काम करता है, वो आ रहा है, उसको भी नाश्ता देते हैं। छोटा भाई आ गया, सोनू ले नाश्ता लाया तेरे लिए भी, तू भी रेस्ट कर ले, निकाल ले, हाँ ले जा। हाँ तो यही छोटा भाई है, सोनू बाय बाय। तो चलते दोस्तों अब घर, अब नानी जी को सबको खिलाते हैं समोसा। अब पहुंच गए दोस्तों घर, तो चलते दोस्तों नानी जी को समोसा खिलाने के लिए आज। नानी ए दे, आज भी हमारे और मिस्त्री साहब के हाथों के बने हुए गर्मा गर्म समोसे आपके लिए स्पेशल आया, ये लीजिए। बनाएं खा लिए, आपके लिए लाया हूँ, आप खाइए और टेस्ट बताइए कैसे लगा बाद में, ना जरूर बताइएगा। तो हमारे पिताजी भी खा रहे हैं समोसा आज। तो बढ़िया लगा भाई समोसा, अच्छा लगा ना, चलिए धन्यवाद। तो वाकई दोस्तों आज तो मज़ा आ गया, आज हम लोग ने समोसा बनाना सीखा, और जो समोसा में हम लोगों ने मूँगफली दाना मटर वगैरह डाल डूल के समोसा बनाया, बड़ा लाजवाब टेस्ट था, बहुत गजब का टेस्ट था, अच्छा लगा। और वहीं पर मैंने खाया भी, वो बेचारे भाई ने बोला भाई आप जरूर टेस्ट कीजिए, तो वहीं पर बैठ के मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो सबको बांटा भी, सबको बांट भी दिया, 15-20 प्लेट लेकर आया तो सबको बांट भी दिया घर में, भाई को भी बांटे, नानी को बांटे, सबको बांटे। तो ऐसे फूड रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन द्वारा ऐसी फूड रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा दोस्तों। तो सब वीडियो करते हैं एंडिंग, तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द फिर एक नए रेसिपी के साथ, एक नए सुझाव के साथ दोस्तों। जय हिंद जय भारत।